बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने और उनके उत्तराधिकारी के फैसले के बाद अब समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच जंग छिड़ गई है। ऐसे में चुनावी उथल पुथल के बीच मायावती के इस फैसले को बड़ा चुनावी कदम माना जा रहा है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए इसे लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी की अंतिम हार का संकेत बताया है। तो वहीं अखिलेश के तंज का जवाब देते हुए मायावती ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी कहा और पार्टी को अपने यादव उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, जिसकी हालत बहुत खराब है। मंगलवार को मायावती ने अपने भतीजे आनंद को बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक और उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने पार्टी और आंदोलन के हित में यह निर्णय लिया है, जब तक कि आनंद पूर्ण परिपक्वता प्राप्त नहीं कर लेते। अब समझने वाली बात यह है कि सपा प्रमुख मायावती के फैसलों पर हमला क्यों बोल रहे। दरअसल वो ऐसे ही हमला नहीं बोल रहे। बसपा उत्तर प्रदेश की 2 दर्जन से अधिक सीटों पर विपक्षी इंडिया गठबंधन का समीकरण बिगाड़ रही है। इसी वजह से अखिलेश बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे बसपा की साजिश को समझें और उनको वोट दें। इसीलिए मैं अपील करूंगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। अब अगर इसे और विस्तार से समझा जाए तो पहले हमें उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुस्लिम और यादव समीकरण को समझना पड़ेगा। यूपी में मुस्लिम और यादव को सपा का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन सपा ने इस चुनाव में केवल 5 मुसलमानों को टिकट दिया है। वहीं सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने केवल 2 मुस्लिमों को ही टिकट दिए हैं। इनके अलावा उसने जिन 5 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वे सभी अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य हैं। अब अखिलेश यादव के उलट मायावती की बात करें तो उन्होंने 22 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और 6 यादों को टिकट दिया है। ऐसे में सियासी जानकारों की माने तो मायावती के टिकट बंटवारे से अखिलेश यादव को नुकसान की चिंता सता रही है और उनको नुकसान हो भी सकता है। माना जाता है कि मुस्लिम और यादव सपा को ही अधिक वोट करते हैं, लेकिन सपा ने मुसलमानों और यादव को टिकट ही कम दिए हैं। ऐसे में बसपा दोनों को लुभाने की कोशिश कर रही है। बसपा और सपा अपने लक्ष्य में कितना कामयाब हो पाते हैं, इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। मगर बसपा ने हाल ही में जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को बदलना शुरू किया है, उसका एक संदेश और जाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इसके लिए आकाश के बड़बोलेपन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो विपक्ष इसे बीजेपी के दबाव में लिया गया फैसला बता रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।